सो भाई आपको पता होगा यार, चाइना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है कॉफी प्रोडक्ट्स का यार। और भाई आपको बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है यार। भाई अगर आप PSO कंट्रोल लेने जा रहे हैं ना यार, तो आपको बहुत ही यार ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि आप कहीं एक नकली कंट्रोलर ले लें यार। क्योंकि यार भाई मेरे एक हाथ में नकली कंट्रोलर है जो 1500 रुपये का आता है, और भाई मेरे एक हाथ में ओरिजिनल कंट्रोलर है PS4 का जो 5500 से 6000 का आता है। बट लेकिन अब उसकी जो प्राइस हो गई है वो डाउन होकर लाइक 4000 का मिल रहा है। और भाई आपको कैसे अवेयर रहना है मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आपने डिफरेंस फाइंड करना है एक ओरिजिनल कंट्रोलर में और एक फेक कंट्रोलर में। सो गाइस भाई वीडियो में हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो भाई जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो है भाई एक सोनी का फेक कंट्रोलर यार, जो चाइना की कॉपी है यार। ये भाई चाइना वाले बड़े यार शार्प माइंडेड होते हैं भाई, एकदम ऐसा क्लोन बनाया गया है कि यार आप पता नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है या फेक है। और भाई जो मेरे राइट हैंड साइड में है वो है मेरा ओरिजिनल PS4 का कंट्रोलर जो मैंने लिया था शायद 5500 का उस टाइम। और भाई लेकिन डिफरेंस पता करना जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो में, भाई बहुत ही मुश्किल है यार, क्योंकि भाई ये ज़ेरॉक्स बिल्कुल 101 है यार, 1:1 पे दिखती है यार। और भाई जो बंदे यार नॉन गेमर्स हैं ना, जिनको कैजुअल गेमिंग कर रहे होते हैं, जिनको ऐसा नहीं नॉलेज है यार कि भाई एक PS4 कंट्रोलर हमने बाय करना है तो लाइक नकली ना बाय कर ले, क्योंकि भाई दोनों का लुक एंड फील सेम है। बट भाई काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बाद में जाके इशू दे सकती हैं अगर आपने एक नकली कंट्रोलर बाय कर लिया तो। और भाई मार्केट में आजकल क्या चल रहा है यार, मार्केट में ना भाई फेक कंट्रोलर को ना यार ओरिजिनल कंट्रोलर बता के सेल किया जा रहा है यार। ये बहुत ही बड़ा यार एक स्कैम चल रहा है यार, और लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं कि भाई वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं या एक फेक प्रोडक्ट ले रहे हैं यार। सो भाई जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है वो एक फेक कंट्रोलर है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारे PS4 का ओरिजिनल कंट्रोलर है यार। सो भाई जो हमारा फेक कंट्रोलर है ना यार, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई वो दिखता है एकदम बिल्कुल ओरिजिनल कंट्रोलर की तरह है यार, बट भाई आप मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। आप जब इसका यार ये USB वाला पोर्शन देखोगे ना यार, तो ये भाई अंदर धसा होता है थोड़ा सा यार ये। और भाई आप देखना ऊपर से ना यार, यहाँ पे जहाँ पे इसका जो टच पैनल है ना, यहाँ से लाइट लीक हो रहा होगा यार। देखो मैं आपको उसको करता हूँ, PS4 में दबाता हूँ, ये देखो ऊपर से भी इसका लाइट सारा लीक हो रहा है यार। और अगर हम बात करें ओरिजिनल कंट्रोलर की है, तो ओरिजिनल कंट्रोलर में मैं आपको दिखाता हूँ, सी बिल्कुल मतलब 0-0 सील्ड है, मतलब कोई भी एक भी आपको ऊपर से जो टच पैड है वहाँ पे आपको लाइट लीक नहीं दिखेगा इसका। और भाई जो सेकंड चीज़ है ना हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। भाई जो सेकंड चीज़ है ना यार, ये देखो हमारे पास ओरिजिनल जो कंट्रोलर है उसका आप लोगो देखो, जो लोगो है ना भाई वो एकदम फिनिश्ड है, और मतलब कलर देखो लोगो का। और भाई जो नकली कंट्रोलर है उसका देखो आप लोगो यार, मतलब कैसा फेडेड सा है, और थोड़ा सा अलाइन इसकी अलाइनमेंट भी हिली हुई है यार। और भाई जो हमारा थर्ड पॉइंट है नोट करने वाला, वो हमारा है इसका ट्रैक पैड यार। भाई आप जब ओरिजिनल कंट्रोलर लेंगे ना, जो ट्रैक पैड है उसका आपको टेक्सचर फील होगा प्रॉपर है, आप जैसे उसको आपको अपना फिंगर टिप रब करेंगे उसके ऊपर। और भाई जो लेकिन जो नकली कंट्रोलर है ना उसका बिल्कुल आपको कुछ फील नहीं होगा, वो सिर्फ आपको एक स्ट्रेट एकदम प्लेन दिखेगा, ग्लोसी की तरह, मतलब कोई भी आपको फिनिश नहीं दिखेगा इसके ऊपर। और भाई जो चौथा पॉइंट है नोट करने वाला, वो भाई इसका USB पोर्ट है आगे वाला यार, जो ऑक्स केबल वाला पोर्ट है, सॉरी जो ये वाला आप देखो यार, जो ओरिजिनल कंट्रोलर है उसका देखो आप पोर्ट कैसा दिख रहा है, और जो फेक कंट्रोलर है उसका पोर्ट देखो आप, एकदम मतलब यार अनफिनिश सा है और काफ़ी अंदर गया हुआ है यार। और ये देखो यार ध्यान से, ये देखो ये है नकली कंट्रोलर हमारा, और ये हमारा है जेन्युइन कंट्रोलर। और भाई जो एक और चीज़ नोट करने वाली है ना यार, वो उसका बैक है यार। अब बैक को देखना यार, जो भाई फेक कंट्रोलर होगा ना यार, उसका भाई बैक पे ना यार जो ये लिखा होगा ना EAC करके, देखो आप देखो यहाँ पे वो ऐसा कुछ लिखा होगा यार, मतलब वो एकदम आप इसको और एक बार ओरिजिनल वाले को देखो, वो मतलब ब्लेंड होगा वो आप ब्लैक के साथ में ना एकदम, मतलब जो ब्लैक वाला आपका जो पीछे प्रिंट है वो ब्लेंड होगा ओरिजिनल में, बट जो भाई फेक होगा ना उसमें एकदम वाइट टेक्सचर में लिखा होगा, एकदम वाइट टेक्स्ट में बड़ा बड़ा, और ऐसे मतलब कोई भी दिखने में कोई भी विजिबिलिटी आपको इशू नहीं होगा। बट लेकिन जो ओरिजिनल वाला कंट्रोलर है उसमें आपको ऐसे दिखेगा नहीं, देखो कैमरा में ये देखो। और भाई जो इसके जो नंबर्स हैं ना, ये सीरियल नंबर हैं, आप एक बार इसको भी जाके चेक कर सकते हैं यार। मैं बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जहाँ पे चेक करना है सीरियल नंबर जाके। और भाई एक और चीज़ यार, भाई जो उसका बॉक्स है ना हमारे जो नकली कंट्रोलर है यार, भाई उसका देखो यार, आपको खोलने तो कोई देगा नहीं स्टोर पे, आपको बोलेगा यार आपको लेना पड़ेगा फिर खोलेंगे आप। बट भाई जो नकली कंट्रोलर का बॉक्स है ना भाई, उसकी आप मतलब यार क्वालिटी देख सकते हो यार, जो भाई जो ये टेक्सचर वगैरह है ना इसके, वो पूरा ब्लर है यार। देखो कैसे लिखा हुआ है इस पर ओरिजिनल कंट्रोलर सेकंड हैंड, मतलब ताकि ऐसा लगे लोगों की अच्छा ओरिजिनल कंट्रोलर है ये। देखो मतलब जो आपको बॉक्स की क्वालिटी है ना यार, वो इतनी जबर नहीं मिलेगी जैसी भाई हमारे एक PS4 के ओरिजिनल कंट्रोलर की होती है। भाई मेरे पास ये फीफा एडिशन है, सेम ना यार, जो PS4 का ओरिजिनल कंट्रोलर होता है ना, सेम उसकी सेम पैकेजिंग आती है, बिल्कुल 0-0 डिट्टो। बट भाई उस टाइम आप नहीं पता कर पाएंगे यार, पर आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा, पहले आपने कभी देखा होगा, पहले आपने कभी लिया होगा कंट्रोलर, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो बॉक्स है ये नकली है PS4 के कंट्रोलर का, सॉरी
एंड जो ओरिजिनल बॉक्स है भाई वो आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा यार, एकदम मतलब उसकी जो फिनिशिंग होगी वो बहुत ही सॉलिड होगी और लाइक टेक्सचर वगैरह प्रिंट वगैरह बहुत ही फाइन होंगे, ब्लर नहीं दिखेगा आपको बिल्कुल भी यार ऐसे कोई टेक्सचर वगैरह। तो भाई ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है यार। सो भाई डिफरेंस आपने देख लिया होगा यार कंट्रोलर्स के दोनों के। और भाई मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यार, जो इनकी यूज़र मैनुअल आती है ना यार भाई, जो यूज़र मैनुअल जो ओरिजिनल वाली होती है ना भाई, वो तो यार एकदम लाइक अच्छी सी दिखती है यार, और दोनों मतलब जो उसके पेजेस होते हैं वो बड़े बढ़िया से दिखते हैं। और भाई लेकिन जो जो फेक आती है ना यार, वो तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखो यार ये भाई फेक है, ये मतलब चार पेजेस की यार मैनुअल दी गई है बुक्स में, ताकि भाई आपको ऐसा लगे कि ओरिजिनल है ये, बट भाई इसमें नहीं आने का, ये साली नकली है यार। और आपको भाई अब जो ओरिजिनल है ना, जो आपको वो बुकलेट उसकी ऐसी होगी मतलब प्रॉपर बाइंडेड होगी वो ऐसे, और बड़ी मैनुअल होगी वो, काफ़ी आपको ऐसे देखो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मिलने को, और क्वालिटी मिल जाएगी आपको देखने को बढ़िया वाली यार पेज की, और स्टिचिंग भी बड़ी अच्छी होती है यार। बट यार ये क्रोन भी ये कॉपी भी कर सकते हैं चाइना वाले, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट भाई ये चीज़ वो अवॉइड करते हैं क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है कंपनी का, तो इस चीज़ को वो इतना ज़्यादा गौर में नहीं करते। तो आप गौर कर सकते हैं अगर आप एक कंट्रोलर लेने जा रहे हैं तो। सो भाई अगर आपने ओरिजिनल कंट्रोलर लेना है ना यार PS4 का, तो भाई या तो आप ऑफिशियल सोनी सेंटर से लो, या तो भाई अमेजोन से परचेज कर सकते हो यार। और भाई अमेजोन में भी आपने यार काफी ध्यान से देख के लेना है यार, क्योंकि अमेजोन पे भी क्लोन अवेलेबल है, बट यार वो वहाँ पे लिखते हैं जेनरिक प्रोडक्ट को, वो ओरिजिनल नहीं लिखते हैं। जो ओरिजिनल होगा वो वहाँ पे ऊपर ब्रांड नेम आएगा सोनी, क्योंकि वो जो जेनरिक आइटम होती है उसके ऊपर लिखा आता है प्रॉपर, अगर आप ऑनलाइन लेंगे किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट से, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया हमारा एंड अमेजोन हो गया। और भाई अगर आपने पैसे बचाने हैं ना, और आपने अगर एक फेक कंट्रोलर लेना है, तो भाई आप फेक कंट्रोलर के साथ जा सकते हैं यार, बट भाई क्या होता है यार फेक कंट्रोलर की तो गारंटी नहीं होती है कब तक चलने वाला है वो कंट्रोलर आपका, कब खराब हो जाए आपको कुछ नहीं पता है। बट भाई एक और चीज़ यार, अगर यार आप फेक कंट्रोलर लेते हैं ना, और आप एक PS4 का ओरिजिनल कंट्रोलर लेते हैं, तो भाई जो दोनों कंट्रोलर्स हैं ना यार, आप अगर जब गेमिंग एक्सपीरियंस देख रहे होंगे तो आपको सेम मिलेगी देखने को, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट लेकिन जो मेजर बात आती है ना, वो आती है प्राइस पॉइंट की। तो भाई अगर कोई आपको सेलर, कोई भी जो आपको शॉपकीपर है, कोई गेम स्टोर वाला आपको बता के बेच रहा है ना कि ये एक नकली कंट्रोलर है, भाई फिर वो चीज़ सही है। बट भाई अगर आपको कोई एक फेक कंट्रोलर ओरिजिनल के प्राइस पे देता है, भाई वो चीज़ तो पूरी लाइक फ्रॉड में आ जाती है यार। सो भाई चलो यार फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही यार। और भाई अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्पफुल लगी हो ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं यार भाई। और जाने से पहले भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, सपोर्ट दिखाने के लिए भाई। और चलो यार हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पीस आउट एंड जय हिंद।